देखो कहाँ लगी। बहुत अच्छे लगे वालों का अच्छा न्यू ब्लॉग। सो आज यहाँ हुई तो आज मैंने बिना पानी का बच्चों के लिए बर्त रखा। करो सबका तो करो देख के लिए रखा था, ये बच्चों के लिए रखा है। तो तारे को अर्घ देख के ही मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी। तो अभी मैं पूजा मुझे कहानी यानी पूजा वूजा करनी है, तो अभी मैं तैयार व्यार हो जाती हूँ। मैंने साड़ी तो वेयर कर ली, मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं कर रखा, मैंने फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं करा। तो अभी मैं पूरा मेकअप ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ कि मैं अपने फेस पर क्या क्या यूज़ करती हूँ। वैसे तो मैं डेली यूज़ में तो कुछ भी यूज़ नहीं करती, और आज थोड़ा सा वही है। तो मैं थोड़ा सा अभी थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह करूँगी, जो मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। सो ये ना मेरा मेकअप का खजाना। सबसे पहले अभी मैं ग्लिसरीन लगाने वाली, क्योंकि ना अभी हवा चल रही है ना, तो मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई स्किन हो रही है। और ये भी ग्लिसरीन लगा लेती हूँ मैं, ये मैं बनाती हूँ घर पे। और क्रीम वगैरह यूज़ नहीं करती मैं, ग्लिसरीन यूज़ करती हूँ। तो डेली यूज में मैं सिर्फ अपनी ये वाली क्रीम यूज करती हूँ, और इसके ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ। बट आज कुछ स्पेशल है तो लैक्मे की सीसी क्रीम। अभी मैं लगाती हूँ कंसीलर। The way you hold me, the way you bring me close, the way you call me, the way you talk to me, the way you say you miss me, girl. Hold me, hold me. Love it. You give me sweet love, it. Sweet love. It. You give me sweet love. अभी मैं फेस पाउडर लगा रही हूँ। जितना भी सारा मैंने मेकअप वगैरह करा है ना, वो सब सेट हो जाएगा फेस पाउडर से। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ थ्रेडिंग सेट, पेंसिल से ही कर रही हूँ, क्योंकि ब्रश वाली से ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और पूजा के लिए भी लेट हो रही हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी पेंसिल से ही जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और मेरी थ्रेडिंग ना काफ़ी लाइट है, और मेरे आप लोगों ने देखा मेरे एक कट भी है, तो वो चोट का कट है। मैं करती नहीं हूँ ये कोई के भी कट, ये मेरे बचपन में चोट लगी थी उसी का कट है। तो आईब्रो बनाने के बाद कंसीलर से उसको सेट करूंगी, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती कंसीलर से करने के बाद। सॉरी गाइस, पीछे मेरी वीडियो बंद हो गई थी चलते चलते। तो अभी बस मैंने बिंदी लगा ली और अपना लिप ग्लॉस लगा लिया, लिपस्टिक वगैरह मैं यूज़ नहीं करती। और आई मेकअप मैंने ज़्यादा नहीं करा, काजल आई लाइनर मस्कारा बस लगाया, आई शेडो वगैरह नहीं करा मैंने। तो यहाँ पे मैं अभी तिलक विलक लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने जल का लोटा भर के रख लिया है, इसी से हम शाम को अर्घ देंगे तारों को। चांद को अर्घ वाला तो करवा चौथ पे होता है, ये बच्चों का ना, तो इसमें तारों को अर्घ देते हैं। तो अहोई माता की कहानी वगैरह तो सुन ली है, अभी हम देंगे सूरज देवता को जल। और यहाँ पे मेरे मुंह के पास एक मच्छर और आ गया, वैसे ही खाया पिया कुछ भी नहीं है और मुंह पे मच्छर आ गया, तो मैं मच्छर मारने में लग गई हूँ। मम्मी कह रही है तो वीडियो में मच्छर मारती हुई दिखाई देगी, मैं तो कोई नहीं। तो अभी कहानी वानी तो कह ली, अभी ना सूर्य देवता को जल दे देते हैं। सूर्य देवता सामने से निकले, मैं तो आँख भी नहीं खोली। गाइस हर बार तो अकेले ही पूजा करनी पड़ती है, बट इस बार मम्मी साथ में है ना, बिना पानी का बर्त है, तो मम्मी का बड़ा साथ मिल गया मेरे को, वरना मुझे अकेले ही करना पड़ता सब कुछ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा मुझे तो इस बार। ये गाइस अंदर गिर गई, पीठ में दर्द है, मैं देखो ना बाबू, देखो कहाँ लगी, इतनी कैसे भाग रही थी, एकदम भाग नहीं रही थी, चप्पल फिसली है यहाँ से गोल ग्रिल से। ऐसे तो आप चलती हो, बहुत गिरती है, बहुत गिरती है लड़ो में, आराम से बची गई। बेटा चौड़ा जीना था वो तो दवाई इसी से फिसली है, इसी में बैठी वो तो बांध रखा ही यहाँ पे साइड से, तो बच्चे सेफ रहते हैं, वरना सीधा नीचे पहुंच जाए। चले इसको तो छोड़ा ही मत कर, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बुखार हो रहा है इसको, नीचे चली गई। हाँ वेट करो थोड़ी देर, खड़े रहो, जीने से हिम्मत नहीं है जाने की बिल्कुल भी, लेफ्ट से जाएंगे।
अनीता कह लिए रख भी देते हैं, अभी चाय और एक बार पानी पी लेते, फिर उसके बाद रात में थाली वाली निकलेगी और फिर उसके बाद पियेंगे, तारों का रख देंगे, बाद ही खाना वाना खाएंगे। फिर यहाँ पे मस्त चाय बन रही है सबकी, तो चाय पी के ना मैंने रील्स वाला बना ली थी, तो अभी थोड़ी सी बनी, अभी थोड़ी सी पति देव के साथ बनाऊंगी। और अभी तारे निकल गए, बहुत देर हो चुकी है, तारे निकले तो 6 बजे के निकल गए, 6:30 बज चुके हैं, तो अभी जाते हैं मम्मी और मैं जाते हैं, तारों को रख दे के आते हैं। खूब साफ सुन रही हूँ, तो अभी तारे तो निकल गए हैं, ऊपर दिख रहे बहुत सारे आगे। तो ये थी बच्चों की पूजा, तारों को रख दे दिया है, तो अब कुछ खाएंगे पियेंगे, पहले थाली निकालूंगी मंदिर की। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर थाली देने, लूडो लेकर चली जाऊँ? हैं? लूडो नहीं, अब खाना खा लो। नहीं मना करना मम्मी, इसे मान नहीं रही। पति देव तो आए नहीं है, वरना पति देव के हाथ ही भेज देती हूँ, अब मुझे जाना पड़ेगा नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। थाली तो देती है मंदिर में, मंदिर के दर्शन भी कर लिए, अब चलते हैं, अब मैं करूंगी अपनी पेट पूजा। बहुत तेज लग रही है, पति देव आज लेट हो गए हैं ऑफिस से आने में, तभी आएंगे फिर मैं बनाऊंगी रील्स उनके साथ भी। अभी यहाँ पे सब लोगों ने डिनर विनर कर लिया, मैं भी चेंज वेंज करती हूँ, पति देव के साथ रील्स बनाने के लिए इतनी देर तक रेडी वेडी रही, बट पति देव तो एक रील बना के भग गए अंदर कमरे में, कह रहे मैं थक गया, डांस मैं करती हूँ थक ये जाते बैठे बैठे। अभी चेंज वेंज करते यार, 10 बज गए हैं गाइस, और यहाँ पे हमारे बापू श्री भी लेट चुके हैं। तबीयत कैसी पापा आपकी? अब ये बना पहले से ठीक है ना, इनकी हालत जो होती है वो एडमिट वाली हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट वाली हालत हो गई थी, एकदम पीले हो गए थे क्योंकि खून की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, बट एक डॉक्टर के पास लेके गई मैं इनको, तो उसने दवाई ऐसी दी है कि एक खुराक में ये बहुत ज्यादा रिलैक्स लग रहा है, इनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो गाइज अभी मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करके जाना है, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बाय, टेक केयर।